नमस्कार समाचारों साथे हूँ छु जयेश। गुजरातनी चूंटणी पहला 900થી પણ વધારે પોલીસ અધિકારીઓની બદલી થઈ ચૂકી છે, જ્યાં ગુજરાત પોલીસ ચૂંટણી પહેલા બદલી મામલે ચૂંટણી આયોગે ફટકાર લગાવી। ચૂંટણી આયોગે ગુજરાતના મુખ્ય સચિવને આ અંગે ફટકાર લગાવી। હજ સુધી 51 અધિકારીઓની બદલી કરાવવા નથી આવી, 6 જેટલા આઈપીએસ અધિકારીઓની પણ બદલી થઈ છે અને આ બાબતોને લઈને ચૂંટણી સમયે નિયમ અનુસાર બદલીઓ નહીં થતા આખરે ફટકાર લગાવી છે। आईपीएस प्रेमवीर सिंह, एजी चौहान, हर्षद पटेल आ तमाम नी बदली नहीं थई। तो संवाददाता पीयूष पांडे अपने साथ जोड़ाया छे। पीयूष, क्या अभी इस मामले में चुनाव आयोग ने फटकार लगाई है? इस मामले में देखिए, अगस्त में चुनाव आयोग ने डीजीपी और मुख्य सचिव को कहा था कि जो ट्रांसफर और पोस्टिंग है उसके हिसाब से की जाए और उस पर उसने निर्देश जारी किए थे, लेकिन उसकी अवहेलना की गई, नजरअंदाज किया गया। लेकिन जब पिछली बार 21 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने फिर से एक नोटिस जारी किया और पत्र लिखा मुख्य सचिव गुजरात और डीजीपी को, उसके बाद जो डीजीपी और मुख्य सचिव वो हरकत में आए और विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले गुजरात में 900 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। दरअसल मुख्य सचिव की ओर से चुनाव आयोग में अनुपालन रिपोर्ट भेजी गई है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न ग्रेड और सेवाओं के 900 से ज्यादा अधिकारियों का जो भारत के निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश था उसके मुताबिक तबादला किया गया है। लेकिन आयोग ने अपनी ओर से जारी जो रिलीज है उसमें ये साफ तौर पर कहा है कि अभी 51 अधिकारियों को स्थानांतरित नहीं किया गया है, इसलिए आयोग की ओर से निर्देश दिया गया है कि बचे हुए जो अधिकारी हैं, जिनमें 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी हैं जिनका आपने अभी नाम लिया था, उनको संबंधित मुख्यालयों को रिपोर्ट करने के लिए कहा जाए और अनुपालन रिपोर्ट 27 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक इस संबंध में चुनाव आयोग को भेज दी जाए। तो ये कुल मिलाकर के मामला चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देशों की अनदेखी का था। जी बिल्कुल। क्या पीयूष जी माना चाहे कि आने वाले दिनों में जो जिनके अभी तबादला नहीं हुआ है उनकी ओर से कोई गतिविधियां हो सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि जिन 51 अधिकारियों का अभी तक स्थानांतरण नहीं किया गया है, तबादला नहीं किया गया है, जिनमें 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी हैं, उनको संबंधित मुख्यालयों को रिपोर्ट करने के लिए कहा जाए। यानी कि सीधे तौर पर यह निर्देश है कि अगर वो स्थानांतरित नहीं किए गए हैं या उनके संबंध में अभी कोई निर्देश नहीं जारी किया गया है तो उनको मुख्यालय से अटैच कर दिया जाए और इस संबंध में 27 अक्टूबर तक यानी कि कल तक जो है शाम 4 बजे तक रिपोर्ट यानी अनुपालन की रिपोर्ट भेज दी जाए। जी बिल्कुल पीयूष, सारे मसले पर आप नजर बनाए रखें। तो पीयूष जणावी रहा था प्रमाणे आ समग्र मामले हवे 27 तारीख सुधीनो आ समयगाळो आपवामां आव्यो छे, त्यां सुधीमां आखरी महत्वपूर्ण गतिविधिओ 51 अधिकारीओने लईने सामे आवी शके छे।